इतिहास का 14 पद हम लोग पढ़ेंगे। दाऊद अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर को किस प्रकार से खुदा को इबादत करता है, किस प्रकार से परमेश्वर के लिए वो धन्यवाद देता है, किस प्रकार से उसके जीवन में परमेश्वर ने आशीष दिया, किस प्रकार से वो परमेश्वर को जानता है, किस प्रकार से परमेश्वर को काम के बारे में जानता है, वो कैसे बयान करता है, आइए हम देखेंगे। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, दाऊद कहता है मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। इसलिए मैं भयानक और कलीसिया बोले इसलिए मैं भयानक और अद्भुत रीत से रचा गया हूँ। कैसे रचे गए हो? मजा नहीं है भाई लोग तो सुस्त हो गए, इनको ग्लूकोज से पोंडी वाला पानी पिलाओ, ग्लूकोंडी वाला पानी पिलाओ इनको। एक बार दोबारा से बोले थोड़ा, क्या तो जाना भी। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए आवाज इधर ऊंची है, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। आमीन। ये कौन बोल रहा है? दाऊद ऐसा बात क्यों बोल रहे हैं? हालेलुया। जब आप बोलते हो कि मैं कूड़ा हूँ तो कूड़े हो, जब आप बोलते हो मैं मिट्टी हूँ मिट्टी हो, जब आप बोलते हो मैं मेंटल हूँ मेंटल हो, आप बोलते हो मैं गरीब हूँ तो गरीब हो। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? क्या आप अंगीकार करते हो कि वचन जो परमेश्वर का दिया गया है वो मेरे लिए दिया गया है? पता है खुदा का कलाम परमेश्वर का वचन कहता है, मैं निर्बलों को बलवंत करने के लिए आया हूँ, मैं कमजोरों को जोरावर के बीच में उठाकर खड़ा करने के लिए आया हूँ। आमीन। मैं उसके सामर्थ को मैं भरोसा रखता हूँ, उसके लिए सब कुछ संभव है जो उसके कलाम को अपने लिए ग्रहण करता है। मेरे प्रिय वो वचन उसके लिए काम करता है। आमीन। हालेलुया। पता है बाइबल में कितने लोगों ने बोला मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं हूँ, मेरे बस का नहीं है, मैं छोटा हूँ, मैं बोलना नहीं जानता, कई बहाने मारे। एक बोलता मैं हकलाता हूँ, पर परमेश्वर हर एक कमजोरी का बल देने वाला, बलवंत करने वाला परमेश्वर, वो आपको पूछ नहीं सर ठहराया है, वो नीचे नहीं आपको ऊपर रखने के लिए बनाया है। आमीन। दाऊद इस बात को बोलता है, उसके भाइयों ने नहीं बोला, उसके माँ बाप ने नहीं बोला, उसके नात रिश्तेदारों ने नहीं बोला, कौन बोल रहा है? क्या आप गर्व के साथ बोल सकते हो? क्या बोलना है? फिर से बोल दे, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीत से रचा गया हूँ, और तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। क्या है? कौन उसके काम को समझा और जाना है जो उसकी बयान कर सकता है कि तेरे काम आश्चर्य के हैं? वही जो भेड़ बकरी चरा रहा था और एक सिंहासन पर बैठकर परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा था। हम में से कई ऐसे लोग थे जो जहां पर आप हैं यहां पर आपको नहीं होना चाहिए, शैतान ये सोचा था, जहां पर आप जाने वाले हैं शैतान सोचा था कि आप नहीं जा पाएंगे, पर आपको कोई सामर्थ रोक नहीं सकती क्योंकि आपका हाथ प्रभु यीशु पकड़ा हुआ है। आमीन। हर एक दीवारों को, हर एक जंजीरों को, हर एक बेड़ियों को तोड़ने वाला आपका परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, जब हम उसके कार्यों को, उसके बारे में जो हम जानते हैं ना, तब हम अपने जीवन में, आपको पता है प्रभु परमेश्वर आपसे कहना क्या चाहता है, आपसे क्या क्या उम्मीद रखना चाहता है पता है? आपको बोलता है तुम हिम्मत रखो, तुम हियाव रखो, तुम दृढ़ हो जाओ। क्या हो जाओ? हम क्या बोलते हैं? अरे नहीं, हमारे तो बहुत तगड़ी बीमारी है, हमारे पास बहुत कर्जे हैं, हम बहुत गरीब घर के हैं, हमारे अंदर शैतान ने काफी साल से, मेरे दादा परदादा के पीढ़ी से मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं। पर यीशु कहता है पीढ़ियों का लेख सब उसने क्या कर दिया? मिटा डाला है। सक करते हैं क्या उसके ऊपर? वो आपको बोलता है हियाव बांध, क्या बांध?
यहोशू की पुस्तक में यहोशू से जब मूसा मर जाता है तो परमेश्वर यहोशू से क्या बोलता है? क्यों बोल रहे यहोवा? क्यों बोल रहे उसको यहोवा? मैं मूसा के समान नहीं हो सकता, मैं मूसा की तरह काम नहीं कर सकता, मैं मूसा के समान, मैं मूसा की जगह नहीं ले सकता, मेरे बस की नहीं है, ना ना ना, मैं नहीं कर सकता ये काम। पर खुदा बोलता है तू अपने सफलताओं पे नहीं, अपने ताकत पर नहीं, अपने ज्ञान पर नहीं, अपने बुद्धि पर नहीं, अपने सीमा पर नहीं, तुम मेरे ऊपर भरोसा रख, मैं तुझे हर एक क्षेत्र में जहां पर तेरे कदम पड़ेंगे वो सब तेरे हो सकते। हर एक का सर झुकाने वाला मैं हूं, हर एक घमंडी का घमंड तोड़ने वाला मैं हूं। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। आपको क्या चीज करने की जरूरत है? मैंने क्या बोला था? क्या करने की जरूरत है? बोलो, हियाव मानने की जरूरत है, हिम्मत रखने की जरूरत है। आमीन। जब मैं मनन कर रहा था, पता है परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा था, अभी एक जगह में गया हुआ था और परमेश्वर का आत्मा कुछ उसे मुझे दिखाया और मेरे जीवन में तू हमेशा अपने अंदर एक निराशा लेकर क्यों बैठता है? एक कुछ ऐसा अपने आप को क्यों सोचता है कि मैं सबसे अलग हूं, मैं सबसे कम हूं, या एक एक उसको क्या बोल सकते हैं कि निगेटिव, उसको एक निगेटिव शब्द अपने अंदर क्यों ऐसा सोचता है? क्या तुझे विश्वास नहीं है मैं तेरे साथ रहा, मैं अपनी उपस्थिति तेरे ऊपर दी, मैं तुझे हर एक जगह से निकाला, तू ऐसा क्यों सोचता है? मैं जिसका भी हाथ पकड़ा हूं उसका हाथ छोड़ा नहीं हूं, उसे व्यक्ति सही किया हूं। अभी परमेश्वर का आत्मा एक जगह में लाला का पुरवा गया था, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे एक बात बोला कि आपके जीवन में बहुत बड़ा सताव होने वाला है, उस सताव में अगर आप स्थिर और खड़े रहे, वो जितने सताव वाले थे वो सब आपके सामने आकर बैठे। आमीन। क्योंकि घमंड तोड़ने वाला, हर एक गुरूर तोड़ने वाला, हर एक को आपके सामने ठंडवत करा देने वाला, हर एक आपके पैरियों को झुका देने वाला वो जुरावर परमेश्वर है। कितना बड़ा शहर है, कितने बड़े सूरवीर है वहां पर, वो माने नहीं रखता एक 12 साल के बच्चे से गोलियत को मरवाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। कितना बड़ा आपके सामने चैलेंज है ये बड़ी बात नहीं है, आपका परमेश्वर कितना बड़ा है ये मानने की बात है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको किस चीज की रखने की जरूरत है? जो भी आपके पीढ़ी से पीढ़ी तक आपके ऊपर प्रभुता करने आ, बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया सफेद दाग या उसको क्या बोलते हैं दुष्ट आत्माएं हमारे पूरी पीढ़ी से पीढ़ी तक आई हैं, परंतु खुदावन यीशु मसीह कहता है मैं जितने भी तुम्हारे विधियों में, जितने भी तुम्हारे दादा परदादा जितने भी ये सब हैं, वो सारे का लेख जो भी तुम्हारे विरोध में था उसमें क्या करते, अपने खून से मिटाते रख दिया। आमीन। आज हमको आपको परमेश्वर एक हियाव एक हिम्मत देना चाहता है, वो बल देना चाहता है। आज हमको आपको ये चीज बताना चाहता है कि क्या आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में उस परमेश्वर के काम को जो आपके जीवन में किया है, क्या वो आपको याद है? किस दशा में आप थे, किस दलदल में आप थे, किस समस्या में आप थे, किस बीमारी में आप थे, आपको कहां से निकाला है, क्या आपको याद है ये चीज? दाऊद यहां पर अपने जीवन में इस चीज को याद करता है और कहता है, कोई इस बात को नहीं बोला, वो क्या कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीत से रचा गया। आपको पता है जब मां के गर्भ में कोई बच्चा आता है ना, लाख खतरे होते हैं उस बच्चे को नष्ट हो जाने के, उन लाखों खतरे को यीशु मसीह ने ऐसे मोड़ कर रख दिया और आपको सही सलामत इस पृथ्वी पर संभाल कर अब तक रखा है। मैंने इस कानों से बहुत से परिवारों का, बहुत से बहनों का, बहुत से भाइयों की बातों को सुना है कि बच्चे जब गर्भ में आता है उसी दिन से, जब तक वो बच्चा जन्म नहीं लेता तब से शैतान उनको नष्ट कर देने के लिए, मार डालने के लिए पता क्या करते हैं, युक्ति करते हैं। हालेलुया। बहुत से बच्चे हैं पैदा होने के बावजूद भी क्या करते हैं पता आपको, शैतान उसको
नष्ट कर देता है। पर आपको पता है, जिसे परमेश्वर रचा है, जिसे परमेश्वर बुलाया है, उसे कोई मार, उसे कोई खत्म, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। आमीन। आपको याद है जब मूसा पैदा हुआ, जब थोड़ा दिन जब वो बड़ा हुआ, तब उसके चारों ओर से सताव हुआ, इसको आप क्या करो, इसको फेंको, नहीं तो सब मारे जाएंगे। उसकी माँ ने हिम्मत बनाया कि मैं अपने बेटे को एक ऐसा मतलब लकड़ी का वो बनवाया बस का, और उसके अंदर डालकर उस माँ ने क्या किया, उसको नदी में डाल दिया। कोई मार सका, कोई हिला सका? वही मूसा लाखों लोगों को घुटने पे लाकर खड़ा कर। आपको मारने वाले जितनी भी तीर बनी है, वो सबको पुछा देने के लिए, तोड़ देने के लिए आपका परमेश्वर जिंदा है। आपको क्या करना है, उसको सिर्फ धन्यवाद देना है, आपको हियाव बनना है। बहुत से लोग अपने जीवन में अपनी समस्याओं को, अपने चैलेंज को, अपने उस बुलाहट के जो जो आपके जीवन में बुलाहट है, उस बुलाहट के प्रीत आपके लिए खाई भी है। समझ पा रहे हैं? जैसे आपकी बुलाहट है, मूसा के जीवन में कैसे बुलाहट थी? इसराइलियों को अकेले छुड़ाने के लिए, किसको अकेले छुड़ा देने के लिए। बाइबल बताती है कि 20 लाख के लगभग लोग गुलामी में थे, और 20 लाख को गुलाम करने वाला कितनी सामर्थ्य रहा होगा। पर पता है, जब मूसा को परमेश्वर ने चुना, जब अद्भुत रीति रचा और बनाया, और उसके बाद जब मूसा पैदा हुआ, तो पता है जहां पर मूसा पैदा हुआ वहां पर नियम कानून का था। क्या पता, आपको पता है, आज अपने भारत देश में बेटी है, अगर बेटी गर्भ में है तो मरवा दो, हो रहा है ना? पर ऐसा माना भारत देश आज्ञा नहीं दिया है, लोग करते हैं। पर उस मिस्र देश में था, जितने इसराइली लोग के बेटा पैदा हो उन सबको नील नदी में डलवा दो, उनको काट दो या तो मार के फेंक दो, बेटियां अगर हैं तो उनको जिंदा रखो, पर बेटे को क्या करो, पर जो आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है, वो सामर्थी है, उसके ऊपर आपको भरोसा रखने की जरूरत है। पता है, परमेश्वर ने जो मूसा को बुलाया, उसी वही जगह में जहां पर आज्ञा निकली थी, उसी जगह में क्या हुआ, परमेश्वर का दास पैदा हुआ, और उसके बाद उसको नील नदी में फेंका गया, और उसी घर में गया, कहां पर, जहां से आज्ञा निकली थी कि बेटे को मरवा दो, उसी घर में परमेश्वर क्या करता है, पलाता है, उसी की रोटी खाता है, उसी के दांव पे सीखता है, उसी का तीर भाला इस्तेमाल करता है, और एक दिन उसी को गुलाम करा, घुटने पे लाकर खड़ा करता है। हालेलुया। ये कौन किया, या मूसा किया? आपको बुलाया है, आपको बुलाया है, आपको बुलाया है, आपको बुलाया है, तो आपके हाथों के द्वारा ही शीघ्र ही शैतान को परमेश्वर कुचलवा कर रख देगा, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। बोलो, मेरे द्वारा। चलिए, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में जितनी भी विरोध है, जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, किसी दूसरे के द्वारा नहीं, मेरे पांव तले कुचलवाएगा यीशु। उसको धन्यवाद दें, क्या आप उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, वो आपके द्वारा आपको सेवन करने वाला है। हालेलुया। वो सुरावर परमेश्वर है, जितने भी संग लड़ा मेरे प्रिय, वो हर एक जंग में सफल हुआ है। ये आपकी जंग नहीं है। जब दाऊद को गोलियत के पास भेजा था तमाशा देखने के लिए, लोगों को तमाशा दिखाने के लिए भेजा था, देखो एक बच्चे के द्वारा किस प्रकार से मैं गोलियत को मरवाता हूं। दाऊद को परमेश्वर के पास जब गोलियत के पास भेजा, तो परमेश्वर स्वयं गोलियत से लड़ा था। आपका परमेश्वर आपको आगे रखेगा, आपके हाथों को ही इस्तेमाल करेगा, आपके ही बुद्धि को इस्तेमाल करेगा, आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा, आपके द्वारा ही शैतान को शीघ्र ही कुचलवाएगा। आपको भरोसा रखना है, आपको हिम्मत रखना, आपको हियाव बांधना है। इसीलिए अपने दास से कहता है, मेरा दास मूसा मर चुका है, अब तुझे क्या करना है, हियाव बांधना है, हिम्मत बांधना है, टिढ़ होना है। थोड़ा पढ़ दीजिए उस वचन को। परमेश्वर, अगर ये वचन अगर आपको आज बताने के लिए नहीं होता, तो मेरे प्रिय ये बाइबल में नहीं होता। इसलिए परमेश्वर आपको उत्साहित करता है, कल और आज और युग वो एक सा है, वो बदला नहीं है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हाँ। हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। हाँ।
भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। मेरा मन क्या ना हो, अच्छा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, जहाँ जहाँ भी तू समुद्र के पास जाएगा, वहाँ वहाँ दीवार के पास जाएगा, किसी शहर में जाएगा, ग्राम देश में जाएगा, सब मैं तुझे दे दूंगा। बोलो सब मैं तुझे दे दूंगा। नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा? आपको क्यों बोल रहा है, क्या करना है आपको? मक्खी आई जाए, चिल्लाएंगे बोलेंगे हमें। फिर से क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या परमेश्वर कह रहा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं? ये मैं ढाई के लोग हैं, ध्यान रखना, किसी के ऊपर भी जा सकता है, बाद में जाए पट्टी पैसा मिलते। हालेलुया, हालेलुया। कूलर बंद कर दे गया वाला, बहुत गुस्सा वाले को नींद आ रहा है बहुत। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको प्रभु बोल रहा है हियाव बांधने के लिए, बोलो मुझे हियाव बांधने के लिए बोल रहा है, मुझे टेढ़ हो जाने के लिए बोल रहा है। किस लिए? जब आपको नीचे नहीं गिराएगा, जब आपको दलदल में नहीं लेके जाएगा, जब आपको कुएं में नहीं गिराएगा, जब आपको गड्ढे में नहीं गिराएगा, तो लोग कैसे देखेगा तू कमजोर है? आपको समस्या नहीं आएगी, आपकी बीमारी नहीं आएगी, आपकी तकलीफ नहीं आएगी, तो लोग कैसे जानेगा कि तुम समस्या में थे? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी यहाँ पर क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए भाई। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध कर दृढ़ हो जा। या बांध कर क्या हो जा? दृढ़ हो जा। भय ना खा। भय क्या ना खा? आपके सामने कौन सी समस्या है जिसे आप डरते हैं? कौन सी बीमारी है जिससे आप डरते हैं? कौन सी समस्या है जिससे आप डरते हैं? क्या है आपके सामने? कौन सी चीज है जो पहाड़ दिख रही है? कौन सी चीज है जिसमें आप सोच रहे हैं कि मैं इससे विजय नहीं हो सकता? कौन सी चीज है जिसमें आप सोच रहे हैं मैं सफल नहीं हो सकता? प्रभु आपसे क्या कहता है, क्या कहता है? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हाँ। या बांध कर दृढ़ हो जा। या बांध कर दृढ़ हो जा। भय ना खा। भय ना खा। और तेरा मन कच्चा ना हो। और तेरा मन कच्चा ना हो। तू डरे ना, तू भागे ना, तू घबराए ना। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, क्योंकि तू जहाँ जहाँ भी जाएगा, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ चलेगा। वो सोच रहा है समुद्र जब मूसा ने पार किया, तो समुद्र जब समुद्र उसके सामने आया तो डंडा मारा, दो भाग में हो गया। इतनी बड़ी प्रजा जब कुड़कुड़ाने लगती थी, तब मूसा ही न्याय करता था, मूसा ही सब काम करता था। हमारे बस का नहीं है, उसकी हक्की बक्की क्या हो गई थी, सब गायब हो गई थी। जब परमेश्वर ने उसको बोला कि मेरा दास मूसा मर गया है, अब तुझे मैं खड़ा करता हूँ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपके लिए कौन कीमत चुकाया है? कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए कीमत चुकाई है? वही लोग भरोसा कर पाएंगे। जो लोग नहीं जानते वो कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे यीशु मसीह के ऊपर। वो तो बस यही सोचेंगे, वो भाई प्रार्थना करेगा, या वो बहन प्रार्थना करेगी, या वो पास्टर प्रार्थना करेगा, या वो वाला जो आएगा तो प्रार्थना करेगा, तब मैं सही हो पाऊंगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का आत्मा इन दिनों मुझे प्रेशर दे रही कि हमारे चर्च के लोग खड़े हो परमेश्वर के राज्य के लिए, वो बोले कि मैं तैयार हूँ खुदा के कलाम को आगे पहुंचाने के लिए, मैं कलेशिया खोलने के लिए तैयार हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं बोलूंगा चलो मैं आपको होल दिलाता हूँ और वहां पर परमेश्वर की महिमा करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे मरने के बाद नहीं, मेरे जीते जी हजारों कलेशिया मैं अपने आंखों से खुलते हुए अपने चर्चेस में देखना चाहता हूँ। हालेलुया, यहाँ पर मूसा को परमेश्वर आज्ञा देता है कि मेरा दास मूसा मर चुका है, यहोशू को आज्ञा देता है कि अब तू खड़ा हो मूसा के स्थान पर। क्या करता है यहोशू? अपने अपने अंदर एक घबराहट, एक बेचैनी और अपने अंदर उन चीजों को लेकर आता है कि मैं उसके स्थान को कैसे ले सकता हूँ। हालेलुया, और परमेश्वर उसको क्या बोलता है, हिम्मत मत, तू डर मत, आपको हौसला देता है, आपको हिम्मत देता है। मत्ती 28 के 20 19 और 20 में यीशु मसीह ने साफ साफ बोला है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। कब तक?
इस पृथ्वी पर जितने दिन है उसके लास्ट दिन तक प्रभु यीशु मसीह कह रहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आप भरोसा रखते हो, अगर आप हिम्मत रखते हो, तो आप हर एक चैलेंज पे आप विजयी होंगे। हर एक सामने जो भी आपके सामने दीवार है उसको तोड़ने के लिए आप सामर्थ रखते हैं। यहाँ पर खुदा का दास को परमेश्वर हिम्मत दे रहा है, ताकत दे रहा है और उसको एक ही बात बोल रहा है, तू हियाव बन, तू हिम्मत रख, क्योंकि जो भी तू युद्ध लड़ेगा, पता है जो करान देश था एक बड़ा देश था, उसको देख कर ये घबरा रहे थे। यहूदियों की दीवार थी वहां पर, मूसा वहां पर नहीं पहुंच सका, चाहे इतना बड़ा अगुआ था, पर हम आप मनुष्य वाली सोच सकते हैं ना कि जो मेरा पास्टर काम नहीं कर सका हम कहां कर सकते हैं, मेरा अगुआ नहीं कर पाया मैं कहां कर पाऊंगा, पर परमेश्वर कहता चुप, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे हिम्मत दूंगा, मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैं तुझे टिड़ करूंगा, मैं तेरे द्वारा वो सफल काम करूंगा, हर एक दीवारों को मैं तोड़ूंगा, हर एक जंग को मैं जिताऊंगा, हर एक क्षेत्र में मैं तुझे विजयी करूंगा, तू हियाव तो बन, हिम्मत तो जुटा, तू खड़ा तो हो, मैं तुझे सफलता कर दूंगा। हिम्मत बांधकर आए क्या, हियाव बांधकर आए कि मेरे जीवन में आज जो भी तूफान है उसे आज परमेश्वर तोड़ेगा, उसे आज परमेश्वर डांट देगा, उस उन सारी समस्याओं से विपत्तियों से मुझे परमेश्वर निकालेगा। मेरे प्रिय, पिक्चर में डायलॉग है ना, जो डर गया वो मर गया। बाइबल में नहीं लिखा है कि तुम डरो, बाइबल में लिखा मत डर, मैं तेरे साथ, इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा, मैं तुझे ढिड़ करूंगा और अपने दहने हाथ से तुझे क्या करूंगा, संभाले रहूंगा। और क्या लिखा हुआ आगे पढ़िए, क्योंकि वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तब यहोशू ने प्रजा के सरदार को ये आज्ञा दी, छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। क्या करना, बोलो क्या करना, क्या करना, किसकी चौकसी करना, जो मेरे दास मूसा ने तुझे आज्ञा दी है उस पे चलने की क्या करना, ध्यान रखना परमेश्वर अपने वचन पे पूरी रीत से खरा खड़ा रहता है। उसका वचन जो पकड़ लिया, उसका वचन जो जड़ से पकड़ लिया मेरे प्रिय, वो सफल है, वो विजयी है, उसे कोई हिला नहीं सकता, उसे कोई गिरा नहीं सकता है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है, जो मेरे दास मूसा ने आज्ञा दी है उसको क्या करना, तुम चौकसी करना, ध्यान रखना, उसे दाएं बाएं मुड़ना, क्या है, और उससे ना तो दाहिना मुड़ना, ना तो तुम दाएं मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा, एक मिनट, क्या कह रहा है, ना तो दाएं ना तो बाएं, क्या मतलब है दाएं बाएं, सीधे का कैमरा वाला बैठा हुआ है, हालेलुया, सीधे दाएं बाएं मतलब समझ रहे हो, मेरी बुलाहट की ओर चलना, ये को कौन जानू गया, बंद करो इसको। यहाँ पर प्रभु क्या कहना चाह रहा है, आज मेरे प्रिय, जब परमेश्वर आपको हियाव देता है, हिम्मत देता है, पता है जो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, जब परमेश्वर के लिए जब खड़े होते हैं, तो ध्यान रखना दाएं बाएं से भी आपको आवाज आना शुरू हो जाएगी। वो कौन सी आवाजें हैं, आपको कमजोर करने के लिए, आपका बल बलहीन कर देने के लिए, आपकी पवित्रता छीनने के लिए, आपका जनून, आपका आपकी ओर जो परमेश्वर ने आवाज दी है उस आवाज से बहकाने के लिए दाएं बाएं से भी आवाज आएगी। क्या आप उस आवाज को सुनकर क्या करेंगे, सीधा चलेंगे या दाएं बाएं मुड़ेंगे। आपके पास कोई आया बोला भैया चर्च में चलो, आप चंगे हो जाओगे, आप आशीषित हो जाओगे, आपकी बीमारी चली जाएगी, आपकी समस्याएं चली जाएंगी, ठीक है नहीं मैं चलती हूँ, आई सुनी थोड़ा आराम लगा घर गई, अरे चर्च गई रहे बहुत आराम मिला, बहुत सकून मिला, अरे कहाँ, अरे चर्च धर्म बदल गई, कौन सी आवाज आ गई, प्रभु ने क्या बोला,
सीधे चलने के लिए अभी कौन सी आवाज आ गई? यीशु मसीह आपका धर्म नहीं, आपका जीवन बदलने के लिए, आपका चरित्र जो गंदा है उसे सही करने के लिए आया, आपकी शरीर जो दुर्बल है उसे बलवन करने के लिए आया, आपकी शरीर जो बीमार है उसे चंगा करने के लिए आया, आपकी आत्मा जो नरक में है उसे निकाल कर उस खुदा के चरणों में लेके जाने के लिए, पवित्र और पाक करने के लिए आया है। प्रभु आपसे कहता है तुम ना तो दाएं मुड़ना ना तो बाएं। अभी हमारे पड़ोस में कोई बात आ जाए, भैया हमको वहां भी चलना है। मेरे प्रिय, जब आप दाएं बाएं जाना शुरू करते हैं तब आप अपने बल को, जो आपको हियाम मिला, जो आपको हिम्मत मिला, जो आपको बल मिला, वहां पर आप बलहीन हो जाते हैं, वहां पर आप कमजोर हो जाते हैं, वहां पर आप जहां विजयी का रास्ता है, जहां पर जयवंत का रास्ता है, आप पता है वहां पर आप घुटने टेक देते, हताश हो जाते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, पर प्रभु आपसे कई जगहों में आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया, किस कार्य के लिए आप बुलाएंगे, कौन सी सेवकाई आपको दी है, पर परमेश्वर पिता ने यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है, यहाँ पर एक बड़ी अगुवाई दे रहा है, यहाँ पर एक बड़ा अगुआ बना रहा है। किस लिए? ताकि उसके लोगों का आप ध्यान दें, ना कि किसी और वस्तु की ओर आप ध्यान दें, ना कि किसी बिजनेस की ओर ध्यान दें, ना कि किसी नौकरी की ओर ध्यान दें। उसके पास बीवी होंगे, बच्चे होंगे, पर प्रभु कह रहा है तुझे दाएं बाएं नहीं मुड़ना है, मैं एक जिम्मेदारी दे रहा हूं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज मेरे प्रिय बहुत से नौजवान, बहुत से बहन, बहुत से भाई आते हैं परमेश्वर की बुलाहट पे, परंतु जब उनको कोई आवाज दाएं बाएं से आती है सब कुछ उठाकर फेंक कर उस आवाज की ओर चले जाते हैं, परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। इसीलिए यहोशू से परमेश्वर बोलता है ना तो दाएं मुड़ना ना तो जब तू दाएं बाएं नहीं मुड़ेगा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ जाएगा। कोई स्थिति, कोई हालात तेरे सामने जीवन भर खड़े नहीं रह सकेंगे। पांच पद में क्या लिखा हुआ है? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सके, जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा के साथ रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, क्या कह रहा है? ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा, ना भी मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आपको क्या लगता है? यहाँ पर परमेश्वर का जन, परमेश्वर उससे बात कर रहा है, परमेश्वर के जन से, मैं तुझे जो दे रहा हूं बहुमूल्य है, उसकी ओर तुझे ध्यान देना है। बहुत सी आवाजें आएंगी, लोग सोचते हैं कि दाएं बाएं नहीं, हम सीधे जा। कौन सी आवाज कर रहा है परमेश्वर? किधर की बातचीत कर रहा है? आपको परमेश्वर जिस कार्य के लिए बुलाया है उस काम को आपको ध्यान, ईमानदारी, चौकसी से काम करना है। एक अगुआ अगर परमेश्वर किसी को खड़ा करता है, एक अगुआ बनाकर, तो आपको पता है परमेश्वर अपना हृदय उसको देता है, अपना बोझ उसको देता है। मैं आपको बताऊं, चाहे पाथर पड़े, चाहे पानी पड़े, चाहे धूप निकले, चाहे छांव हो, शनिवार को मुझे यहां पर एंट्री होना है क्योंकि मैं अगुआ हूं। बहुत से लोग यहां पर आते हैं पर परमानेंट नहीं आ पाते। कारण क्यों है? वो भी दिल्ली में है। क्यों? जो जिम्मेदारी आपको दी गई, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको समझने के लिए, क्योंकि उस वो चीज आपके अंदर नहीं डाला गया है। हालेलुया, परमेश्वर अगर किसी कार्य के लिए आपको बुलाया है, मेरे लिए कोई भी जिम्मेदारी दी है, बहुत से लोग वाह वाह करेंगे, हाँ, पर उनका हाँ का हाँ नहीं रहेगा, ना का ना हो जाएगा। बहुत से लोग वादा भी करते हैं, ये करूंगा वो करूंगा, नहीं कर पाते। पता क्यों? वो चौकसी नहीं करते, उनको पता नहीं अपनी बुलाहट का, उनको होश नहीं है। वो दाएं बाएं की आवाज सुनकर, बात मत करो आप उसमें, उनको दाएं बाएं की आवाज सुनने की आदत पड़ गई है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, कितने लोग अपने जीवन में एक हियाव बांधना चाहते हैं, कितने लोग डेढ़ होना चाहते हैं कि प्रभु मुझसे तू बातचीत कर रहा है। जो भी मेरे जीवन में संघर्ष है, मैं आपको बताऊं, जिस समय प्रभु ने मुझे बुलाया था
अपने सेवा के अपने जब अपने भगवान के भवन में मुझे बुलाया तो वहां पर जब मैं गया मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अपने परिवार का जितने भी समस्याएं हैं मैं एक दिन यीशु के नाम में तोड़ूंगा। मैं यही एक मेरे अंदर लक्ष्य था कि जो मेरे परिवार भूत प्रेत का पंगा है पीढ़ी से पीढ़ी है मैं अपने परिवार में रहने नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं आज मेरे परिवार का मैं 5 भाई हूं, मेरे मम्मी पापा हैं, कोई भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित नहीं है आज के दिन। हर एक हफ्ते हर एक 10 दिन में लोग परेशान होते थे, चिल्लाते थे, चीखते थे, पूरी पीढ़ी से पीढ़ी में चलाया मैं देखा, पर आज प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कोई भी कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित नहीं है, सब आजाद है। आमीन। जब आप इस चीज को सोच के चलोगे आपके सामने जितने भी चैलेंज हैं मेरे प्रिय उससे लड़ने के लिए उससे विजयी होने के लिए परमेश्वर आपको बल देगा ताकत देगा। हालेलुया। आपके सामने क्या समस्या है मुझे नहीं पता, आपके जीवन में क्या संघर्ष है मुझे नहीं पता, पर मैं आपको बताऊं कितनी बड़े पहाड़ हो परमेश्वर उस पहाड़ को तोड़ने के लिए आपको ही इस्तेमाल करना चाहता है, आपको ही वहां पर खड़ा होने के लिए बोलता है, आपसे ही बोलता है कि तू ही आवान और टिड़ हो जा, क्योंकि मैं किसी दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं, मैं तेरे द्वारा ही वो काम करना चाहता हूँ। हालेलुया। बहुत से लोग थे वहां पर, ध्यान रखना बहुत से लोग थे, पर यहोशू को परमेश्वर वहां पर कहता है दृढ़ हो, उठ खड़ा हो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आज आज आपके जीवन में आपके लाइफ में आपके जीवन में ये चीज को अपने जीवन में जब आप एहसास करते हो महसूस करते हो कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मैं वो व्यक्ति हूँ जिससे तुम उसे बातचीत कर रहा है, जो भी मेरे परिवार में मेरे घर में जो भी मेरे मोहल्ले में जो भी समस्याएं हैं उससे मैं लोगों को निजात दिलाऊंगा, उस पे मैं लोगों को जीवन कराऊंगा, उसे मैं लोगों को विजयी हो जाऊंगा। आमीन। अगर आप डरोगे तो, अगर आप कांपोगे तो, अगर आप उस मुश्किल का सामना नहीं करोगे तो इमलिया की किताब निकले लेगी तू अपनी कमर कहां देगा, क्या बोला, जो हृदय सफेद होंगे जो पवित्र होंगे जो दीन होंगे जो नर्म होंगे जो सुन्न होंगे उनके अंदर पवित्र आत्मा वो देगा। हियाव बांधने के लिए कमर बांधने के लिए क्यों क्यों बोल रहा है, कमर कसने के लिए क्यों बोल रहा है, आज हम लोग बैंड कसने के लिए बैंड लगाते हैं, जब आपको परमेश्वर का आत्मा जब आएगा ना तो आपके अंदर एक बल एक हियाव आएगा हर एक युद्ध को लड़ने के लिए, और इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि अपने जीवन को शुद्ध कर पवित्र कर पाक कर ताकि वो खुदा पाप की रूह आत्मा तेरे अंदर नियंत्रण ले अधिकार ले ताकि जिसके सामने भी तू खड़ा हो उससे तू विजयी हो जा। जब दाऊद 12 साल का था तो कैसे जीत गया था वहां पर है? कितने लोग के नाड़े खसक गए थे, गोलियत के पास कोई गया था लड़ने के लिए, कमर बांधकर टीढ़ होकर खड़ा होकर गया और परमेश्वर के राज्य के लिए वो काम किया। आमीन। अगर दाऊद पाप का जीवन जीता तो कभी भी गोलियत को मार नहीं सकता था। आपको कमर कसने का मतलब क्या है, अपने जीवन को शुद्ध करने का, अपने जीवन को पवित्र करने का, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार टीढ़ करने के लिए। आमीन। क्या लिखा भाई, फिर से पढ़िए। इसलिए तो अपनी कमर कस कर उठ हाँ। और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दू हाँ। वही उनसे कह। क्या कह रहा है, जो कुछ मैं तुझे कहने के लिए आज्ञा दू वही तू, अगर तू डर जाएगा तो घबरा जाएगा तो कमर नहीं कसेगा तो तू भयभीत हो जाएगा तो क्या करेगा परमेश्वर, अपनी समस्याओं को देखकर जब डर जाओगे तो, अपनी बीमारियों को देखकर डर जाओगे तो, दुष्ट आत्माओं को देखकर डर जाओगे तो, लोगों को देखकर डर जाओगे तो क्या करेगा परमेश्वर, विजय देगा, छुटकारा देगा, शांति देगा, कभी नहीं देगा। क्या कह रहा है, क्या कहेगा, इसलिए तो अपनी कमर कसकर उठ हाँ? और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दू जी वही उनसे कह, वही उनसे कह, तू उनके मुख को देखकर ना घबराना हाँ? ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दू। क्या कह रहा है, किन्हीं लोग नहीं सुना हाथ उठाए, क्या बोला परमेश्वर ने, अपनी समस्या को देख के मत घबराना, अपनी बीमारी को देख के मत घबराना, अपने कर्जे को देख के मत घबराना, अपनी विपत्तियों को देख कर मत घबराना, उनसे बोलना मेरा प्रभु तो मेरे लिए 39 कोड़े मार खाया है, मैं चंगा होऊंगा नहीं, मैं चंगा हो चुका हूँ,
आपके सामने दुष्ट आत्माएं थरथराएंगी, कांपेंगी, भागेंगी, कब? जब अपने कमर को आप कस लोगे तब। अगर आप कमर को नहीं कसोगे, अपने जीवन को सही नहीं करोगे, वो दुष्ट आत्माएं धावा मारेंगी, निमंत्रण देंगे और को चलो वहां पर, लोथ है, मौज मौज करो वहां पर। जो बोल रहे बोल, जो लोग समझ रहे बोले हालेलुया। जब आप अपनी समस्याओं को देखकर डरोगे, भयभीत होगे, कमर नहीं कसोगे, जीवन को सही नहीं करोगे, तो मेरे प्रिय दुष्ट आत्माएं और भी निमंत्रण देंगी और दुष्ट आत्माओं को, चलो वहां पर लोथ है, गिद्ध की तरह चलो वहां पर खाने के लिए है। हालेलुया। पर प्रभु क्या कह रहे हैं आगे? क्योंकि सुन मैंने आज तुझे ये सारा देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। ओहो, क्या किया है? किसको बनाया है? किस लिए बनाया भैया? हालेलुया। मैं बताऊं, एक खुशखबरी आपको मैं बता रहा हूँ। इमरिया कितना बड़ा था जिस समय ये बात हो रही है? बेटा खड़ा हो ना। अब ये इमरिया है। कौन है? अब इसे परमेश्वर बोल रहा है, इमरिया मैं तुझे जहां भेजूंगा वहां तो जाना, किसी का देखकर मुंह घबराना नहीं, जो मैं बोलूंगा उसको वही बोलना, कोई तेरे ऊपर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि मैं सबके ऊपर तुझे प्रबल ठहराऊंगा, मैं तुझे राजा बनाऊंगा, सबको तेरे नीचे गिराऊंगा, सबके ऊपर मैं तुझे राज कराऊंगा। अगर परमेश्वर आपका हाथ पकड़ेगा तो क्या करोगे? नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं इसकी योग्य नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल गरीब घर का हूँ भैया, हमारे बस का नहीं है, उसको लेके जाओ, उन भैया को लेके जाओ, उन बहनों को लेके जाओ, उन लोगों को लेके जाओ जो पढ़े लिखे हैं, जो लंबे हैं, जो चौड़े हैं, जो हट्टे कट्टे हैं, वो लोग काम कर सकते हैं, मेरे बस का नहीं है, परंतु कहता है वो सब मेरी महिमा चुराएंगे, पर ये मेरी महिमा चुराएगा नहीं। आमीन। जितने लोग कमजोर है मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपके द्वारा अपने काम को कराना चाहते हैं। खुशखबरी है आपके लिए, तुम्हें डरना नहीं है उनके सामने, तुम्हें घबराना नहीं है उनके सामने। आमीन। बैठ जाओ बेटा। क्या करना है? बोले हमें कमर कसकर ठीक होना है, खड़ा होना है। जो करना था अब तक कर लिया हमने। बोले जो करना था कर लिया हमने, बहुत मनमानी किया, पर अब यीशु की आवाज मेरे समझ में आ रही है, अब मैं लोगों को जीवन देने के लिए खड़ा होना चाहता हूँ, लोगों को शांति देने के लिए खड़ा होना चाहता हूँ। आपको भरोसा है कि आप चंगे हो चुके हैं? अगर आप भी मारे तो कैसे दूसरे को चंगा करेंगे? बड़ी समस्या है। रोज चर्च में आते हैं संडे संडे, हाथ भाई के लोग रखाते हैं, फिर भी चंगे नहीं होते। पता है क्यों? कि कोई हिम्मत ही नहीं रखते हैं, वो कमर ही अपने नहीं कसते हैं, वो दाएं बाएं आवाज भी सुन लेते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग कमर कसने जा रहे हैं आज? कौन सी कमर के बारे में मैंने बातचीत किया? ध्यान रखे रहो, मैं बेल्ट पहना हूं, पैंट सड़क ना जाए, इस बिल्डिंग की इस कमर की बात नहीं कर रहा हूं। उस बर्तन को शुद्ध करो जिसके अंदर परमेश्वर अपना तेल उड़ेलेगा, उस बर्तन को पाक करो जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा लेगा। जब अपने आप को यही चीज है, कमर को कस लेना, दृढ़ हो जाना, मजबूत हो जाना। हालेलुया। अब हम परमेश्वर ने मुझे बोल दिया है दाएं बाएं नहीं जाने के लिए, मैं दाएं बाएं की आवाज भी नहीं सुनने वाला। आमीन। आगे क्या लिखता है प्रभु? इसको हम देखेंगे, चार पद को थोड़ा हम ध्यान से सुनेंगे। आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ, सभी के लिए जल्दी से। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हाँ, कर्म में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया जी, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। ध्यान रखना, आपको हमको सभी को, ये अपने सर पे आप हाथ रख सकते हो, अपने हृदय पे आप हाथ रख सकते हो, ये वचन अपने लिए आप ग्रहण कर सकते हो। हमें बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
कौन ऐसा माँ होगी, कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बच्चे को फलता और फलता फूलता नहीं देखना चाहता या सफलता में नहीं देखना चाहता? है कोई? हाँ, आपका प्रभु चाहता कि आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा वो परमेश्वर अपना महिमा ले, और हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह में जहां पर आपके सामने दीवार खड़ी है, जहां पे आपके सामने चैलेंज खड़ा है, वहां पर आपके द्वारा उन चीजों को आपके द्वारा क्या करें, उसको हराए और आपको फलवंत करें, आपको जयवंत करें। आमीन। आपको पता है जितनी बड़ी समस्या है उतनी बड़ी कामयाबी आती है, जितनी बड़ी पहाड़ है उतनी बड़ी ऊंचाई पे आपको लेके जाएगा, जितनी बड़ी समस्या आपके जीवन में है उतना ही आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, उतना आशीष करेगा। आमीन। जब आप इस चीज को महसूस करते हो कि जैसे दाऊद ने, ये मेरा लास्ट वचन है, क्योंकि दाऊद ने शुरू में क्या बोला था, दाऊद ने भयानक में अद्भुत रीत से रचक मतलब, और यहां पर क्या हो रहा है, इमरिया क्या कह रहा है, परमेश्वर का ये वचन मेरे, वहां पर दाऊद कहता है, यहां पर यहोवा परमेश्वर से बोलता है, ओ मतलब यहोशू कुशी से बोलता है, इमरिया से बोलता है, क्या कहता है चार में, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, तब यहोवा का ये कलाम मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया, मेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मेरा परमेश्वर ने मेरे ओर दूर दूरबीन लगा के ध्यान से देखा, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, पैदा होने से पहले ही परमेश्वर पिता ने मेरे ऊपर अभिषेक कर लिया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आमेन। ये मेरे लिए, आई रिसीव, आप ना करो आपकी इच्छा, मैं तो रिसीव करो, ये मेरे लिए, बोलो मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, क्या है, मेरा अभिषेक किया है प्रभु ने, गर्भ में रचने से पहले, उत्पन्न होने से पहले, गर्भ में रचने से पहले क्या किया उसने, अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग मकान अपने हाथों से बनाया है, अपना मकान, अरे मिस्त्री लगा के बनवाया है, एक दो 16, 17, 18, 20, एक दो, ठीक है, आपने मकान को बनाने से पहले आपने अपने चित्र में देखा था कि नहीं, ईटा भी नहीं गिरा, बालू भी नहीं गिरी, सरिया भी नहीं गिरी, सीमेंट भी नहीं गिरी, घर बना हुआ हमने देख लिया, रे बाबा रसोइया इधर होगा, बेडरूम इधर होगा, है ना, चिन्हवा इधर होगा, सब देख लेते हैं, है ना, हमारा परमेश्वर वैसे ही रचने से पहले मुझे देख लिया है, उसने चित लगा लिया है और उसने मेरा अभिषेक कर दिया है। घर बनाने से पहले, सारी चीज इकट्ठा करने से पहले आपने उन चीजों को आपने अपने दिमाग में सोच लेते हैं, कहां से जीना होगा, कहां से दरवाजा होगा, कहां से रसोई होगा, कहां से बाथरूम को, और क्या नाम, बेडरूम होगा, सारे चीजों को आप सोचते हैं। पता है जब मिट्टी भी नहीं खोदा था तभी परमेश्वर ने हमारे सूरत को उसने देख लिया। आप कभी कैसा कह सकते हो, मेरा वो स्वर्ग में जो बैठा हुआ परमेश्वर है ना, वो मुझे माँ के गर्भ से रचने से पहले ही मेरे बारे में सोचा और मुझे देख लिया था। कितनी अद्भुत बात है, आपके घर पे, आपके घर पे मुख्यमंत्री आ जाए, कौन आ जाए, और आप बोले प्लीज बैठिए, बढ़िया से गर्मा गर्म चाय बना के लेकर आते, बिस्कुट लेकर आते, आप उसको खाने के लिए देते हैं, और उसके बाद आधा घंटा एक घंटा आपके साथ बातें करता है और चला जाता है, तो आप क्या कहते हैं, आपका पड़ोसी कौन आया था, ओ मुख्यमंत्री आया था, ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ओ पता है मुख्यमंत्री आए थे केजरीवाल मेरे घर में, मुझे देख के हंस रहे थे, कितना अच्छा से देख रहे थे मुझे, वो कह रहे थे कितना अच्छी बहन है आप, पूरा साल, 6 महीना, साल भर, 2 साल आप वो बात को भूलते नहीं, लोगों से बताते फिरते हैं, मेरे घर में मुख्यमंत्री आया था। सभी मुख्यमंत्रियों को बनाने वाला, सभी प्रधानमंत्री को बनाने वाला वो स्वर्ग में आपको रचने से पहले आपके चित्र को देख लिया, आपके
आपको आनंदित होना, आपको खुश होना है। मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, किसी स्थिति में मुझे रहने नहीं देगा। स्वर्ग छोड़कर वो पृथ्वी पर आया है, अपना लहू अपना जान देकर हमें उस दलदल से निकालने के लिए आया है। आपको गरीब होने के लिए नहीं, आपको बीमार होने के लिए, आपको समस्या में, आपको पीखने के लिए, रोने के लिए नहीं, परंतु हंसने और आनंद करने के लिए बुलाया है। इसीलिए कहता है प्रभु में सदा। जो लोग प्रभु को समझ लिए, अपने चरित्र को शुद्ध कर लिए, अपने कमर को कस लिए, जो लोग हियाव पाल लिए हैं, मेरे प्रिय वो रोएंगे नहीं और रोने वाले के आंसू पोछेंगे, लोगों को जीवन देंगे, लोगों को शांति देंगे वो। आमीन। आपको क्या लगता है, आपके पड़ोसी बोलते हैं कहिया है ये नाक सही नहीं है, कौन क्रीम लगाई है? सारी खूबसूरती डालने वाला, आपको हिया और हिम्मत से अभिषेक करने वाला, हर एक के सामने ऊंचा खड़ा करने वाला, वो आपको नहीं भूला है। आपका पड़ोसी जो बोला है वो आपको परमेश्वर की ओर से नहीं है, ध्यान रखना, उसे अस्वीकार कर देना है। आपका टांग खींचने वाले हजार होंगे, पर एक ही है जो हमें उठाकर खड़ा कर देने वाला सबसे ऊंचा। कई बार डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देगा, भैया हम कुछ ना कहीं पाओ, पर यीशु कहे कहे चिंता करता, हम तो का बनाए रहे ना, कहे परेशान है, है? लाजर बीमार हुआ सर, बाप रे बाप, अगर यीशु मसीह आ जाते तो हमारे भैया जी जाते, बच जाते। यीशु मसीह और 2 दिन लेट गई जा, और 2 दिन लेट कर दिया। यीशु मसीह बोला जब बदबू आवे लगी लाश में ना तब जाओ। वो बनाया है, वो खड़ा करेगा, उसे कोई गिराने और मिटाने वाला नहीं है। जो आपको पुनः आपकी हड्डियों को, आपकी मांसपेशियों को, आपके नसों को, आपके जीवों को उठाकर मुर्दों में से खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है, उसको आप, उसको आपने पा लिया है। वो आपको देख रहा है। देख रहा है नहीं देख रहा है? वो आपके पास में है। हालेलुया। पूनम आप खड़े हो जाओ, नाम बताओ। परमेश्वर का आत्मा जब मैं प्रार्थना कर रहा था, 2 लोग हैं, एक राहुल। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है बहुत से, बहुत आपके अंदर जो परमेश्वर ने जो काबिलियत दिया है, लोग उसको नहीं पहचान सकते। ध्यान रखना, जितने भी लोग हैं जो काबिलियत खुदा ने दिया है उसको लोग नहीं पहचान सकते, पर परमेश्वर बस थोड़े दिनों में आपके जीवन को, आपके पूरे हालात को चेंज करने वाला है। आपके अंदर कुछ ऐसा करेगा ना कि आपके सामने कोई खड़ा नहीं रह सके। कुछ ऐसा परमेश्वर दिखा रहा था कि जो भी आपके आसपास है, जो आपको दबाए, जो आपको कमजोर किए, उन सबसे ऊंचा खड़ा करेगा। आत्मा मुझे बोल रहा था, उस समय जब मैं प्रार्थना कर रहा 3 दिन से ये बातें परमेश्वर मुझे उभार रहा था। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। अपने हाथों को खड़ा करो। इस बेटी को और सभी को अपने हाथों को बढ़ाएं। ओ प्रभु यीशु, जीसस, जो आपने परमेश्वर मेरे हृदय में आपने बातें की, मैं तेरी बेटी को बोला, मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं। अपने हाथों को सीधा खड़े करें। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में इस बच्ची के अंदर प्रभु जी, जो भी कमजोरियां वो बाहर आ जाए, जब आप निर्बल हुए थे, जब आप कमजोर हुए थे, तो खुदा के सामने अपने घुटने को टेका और कहा परमेश्वर मुझे हर एक स्थितियों पर जय पाना है। प्रभु आज अपने बेटे को हर एक चैलेंज के सामने जी जयवंत करने के लिए बेटा, वो अभिषेक तेरे नाम सबसे बोलते, नेम ऑफ जीसस, टच नेम ऑफ जीसस, पावर नेम ऑफ जीसस, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा अपने बेटे को शो और आशीषित कर, इसके जीवन में तेरी महिमा, दिमाग, आत्मा, प्राण, शरीर, यीशु आपके कम से हो जाए। थैंक यू गॉड। एक बड़ी गवाही के साथ हम सब तेरी महिमा देख देने पाए, यीशु के नाम में ताली बजा के प्रभु धन्यवाद। कस लेना, बोलो कस लेना, जो भी मेरे सामने चैलेंज है, हो सकता है आपकी दृष्टि से, आपके ताकत से, आपके बल से, आपके ज्ञान से, आपके बुद्धि से, आपके सामर्थ्य से वो बलवंत है, पर परमेश्वर उसी के ऊपर आपको विजय कराएगा।
दूसरे के द्वारा नहीं, बोलो मेरे द्वारा, उस पर बलवंत कराएगा। आमीन। जितने लोग को याद है यीशु मसीह के 12 चेले जब यीशु मसीह के पास गए और 5,000 से ज्यादा लोग भूखे प्यासे बैठे हुए थे और यीशु मसीह के चेलों ने 12 चेले गए यीशु मसीह के पास, प्रभु पूरी प्रजा भूखी है, 3 दिन से तेरे साथ में है और इनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम ही लोग इन सबको भोजन दो। क्या बोला? ये समस्या लेकर, क्या लेकर रहे आप? समस्या लेकर आए हो ना, आप समस्या लेकर आए हो ना, आप तकलीफ लेकर आए हो ना, आप दुख लेकर आए हो ना, आप लोगों के दुख को चंगा करोगे, आप लोगों को आशीष दोगे, आप लोगों को शोधन करोगे, आप लोगों को आशीषित करोगे। हमें पता है क्यों? क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर काम करना चाहता है। बाइबल बताती है कि वही 12 चेलों के द्वारा उनको भंडारी बनाया, 50-50 की 5 लोग बैठा दिए और वो 12 चेले जमीन पे एक ही जगह खड़े रहे और उसमें 10-10, 20-20 लोगों को एक एक व्यक्ति के पास आया और ये अपनी टोकरी से उठा उठा कर देना शुरू कर दिए, इधर दे रहे थे उधर से भर रहा, इधर से दे रहे थे उधर से भर रहा। जब ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में उन आशीषों को देने जा रहे हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं बताऊं राहुल, मैं अभी कम से कम 1.5 घंटा जब मैं घुटने पे था बैठा हुआ था तो आत्मा एक चीज दिखा रहा था कि परमेश्वर आपको हमारे 20 से कहीं और लेके जाना चाहता है। कोई सामर्थ्य कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, खुदा आपको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा और एक बड़ी शौकाई को खुदावन आपके द्वारा रिलीज कराएगा। क्योंकि मैं परमेश्वर से मैं बताऊं इन दिनों में मेरे हृदय की जो आवाज मेरा एक पता है, मैं प्रभु से रो रहा था 3 दिन का फास्टिंग रखा, प्रभु से यही बोल रहा था, प्रभु इस कलेशिया से मैं 1,000 कलेशिया तैयार करना चाहता हूँ। मैं मूसा के मरने के बाद वाला नहीं, मैं अपने आंखों से अपने बच्चों को उठना और पढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, मैं उनके ऊपर हाथ रखकर अभिषेक करना चाहता हूँ। परमेश्वर बोला चिंता मत कर, जितने लोग अपने आप को तेरे सामने दीन करेंगे मैं हर एक को उठाकर खड़ा करूंगा, जितने लोग सुन करेंगे, जितने लोग अपने आप को समर्पित करेंगे, मैं खुद आत्मा बोल रहा हूँ परमेश्वर आपके हर एक दीवारों को तोड़ेगा, जो भी आपके सामने चैलेंज आएगा उसमें आपको विजयी करेगा परमेश्वर। कुछ दिन है क्योंकि परमेश्वर आपको सब दिन हमारे साथ यहाँ खड़े होकर सेवा करने के लिए, आपको एक अलग स्थान पर परमेश्वर खड़ा करना चाहिए। जितना हो सकता है अपने आप को खुदा के सामने सिलेंडर कर दो। बहुत लोगों ने आपको इस्तेमाल किया पर मैं आपको बताऊं खुदा अब आपको उपयोग करें, बहुत लोग पर परमेश्वर की आवाज है, दिल जो खुदा का हृदय है ना, जो उसका उसका धड़कन है ना, अपने बच्चों के लिए जैसे यहोशु को इम्रिया को परमेश्वर वादा करता है मैं तेरे साथ रहूंगा, वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति को आप लेकर चलोगे। थैंक यू गॉड। आइए मैं चाहूंगा कि सभी कोई दुआ करें भाई के लिए। जीसस, लोग किस दृष्टि से देखते मुझे नहीं पता। आमीन। हालेलुया। किसी व्यक्ति को मुंह देख कर नहीं ध्यान रखना, परमेश्वर का आत्मा जिस व्यक्ति के लिए जो भी बोले आपको बोल दे रहा है। किसी को देखकर घबराना नहीं, डरना नहीं, जहां भी कहीं भी परमेश्वर आपको लेके जाए बोलना है आपको आमीन। पहले आगे लड़ेंगे उससे कि आपके बेटे को कोई हानि ना होगा, आपका परमेश्वर आपको जबत करने के लिए आपके विरोधियों को आपके बीमारियों के आपके समस्याओं के सामने खड़ा होगा और हर एक स्थिति को आपके सामने झुका कर खड़ा कर देगा। आमीन। मैं आपसे वादा करता हूँ जितने लोग अपने कमर को कस रहे हैं, जितने लोग दाएं बाएं नहीं मुड़ रहे, जितने लोग अपने अंदर हियाव भर रहे, ये सन 2022-23 में आप ऐसे नहीं रहेंगे, सब कुछ बदल कर खड़े हो जाएंगे। आइए अपने स्थान पर लोग खड़े हो।